अल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों कैसे हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के करम फजल के साथ। तो ये डीलिंग का राउटर है जनाब, ये मेरे पास एक मोबाइल वाली गैलन है, इसके अंदर आज हम आउटडोर बनाकर एक नया कनेक्शन हमारे पास आया है, वो पूरे 1 किलोमीटर पर है। जो मैंने आपको कल वीडियो पेश की थी ना, वहाँ पर आज लगाना है। तो इसकी इसके अंदर इसको ना वाटर प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो इंजॉय करें, देखें वाटर प्रूफ किस तरह होता है। लो जी, ये हिस्सा हमने अलग कर लिया, इसको फेंक देते हैं और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। इसके अंदर ना मोबाइल था, इस पर मैं काफ़ी मेहनत होनी है इसको साफ़ करने में। जी दोस्तों, इसको मैंने ना साफ़ कर लिया और मैं खुद तो काला हो गया हूँ, लेकिन इसको मैंने साफ़ कर लिया। अच्छा, अब अलग क्या करना है? अब ये राउटर है मेरे पास, आप यहाँ से ये निशान लगा लें इसके ऊपर, देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर ना निशान लगा लें, जिस जहाँ पर सुराख करने हैं छोटे छोटे। तो मैं यहाँ से ना निशान लगा लेता हूँ, तो बस ठीक है। कैंची की मदद से ना इसके अंदर सुराख करें जितना डीना हो। ये ले ही अल्टीना इसके अंदर चला गया है। अब एक हम सुराख कर लेते हैं यहाँ पर, ये भी सुराख हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम खुला कर लेते हैं। लो सुराख करते इसके हो गए हैं। अब इससे इस तरह आपने जो है ना राउटर को इस तरह से डालना है अंदर, है देख रहे लो जी, ये मरगल गए। अब इस तरह से इसके अंदर इस तरह
ठीक हो गया। अब इन साइडों पर आपने मैजिक लगा देनी है, ठीक हो गया। यहाँ से ये राउटर आप देख सकते हैं इस तरह अंदर है। अब इस तरह आप इसको लगाएंगे इस तरह, ये जो मुठ है ना इसकी गैलन की, ये बांस के साथ लगाएंगे। तो बस इसका और कोई काम नहीं है, इसके अंदर चार्जर की पावर दे दें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अल्फी लगा दें बस, और ये आप समझ रहे हैं कि आपका ऑर्डर बन गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जनाब, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अल्लाह रहीम। दोस्तों कैसे हैं, खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो ये डी लिंक का डी आई आर 803 मॉडल जो है, ये हमने आउटडोर बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।